छिंदवाड़ा में पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने जाना मोहल्ले वासियों का हाल। अपने घरों में रहकर कोरोना से लड़ रहे लोगों के बीच पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना राहत लेकर पहुंचे। अपने साथी व कार्यकर्ताओं के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्र पहुंचकर भोजन के पैकेट वितरण किए। वहीं 1,00,000 तक के राहत कोष देने की घोषणा की गई। वहीं दीपक सक्सेना ने दीनदयाल रसोई पहुंचकर जाना वहां की रसोई का हाल। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की जरूरत हो तो मुझसे संपर्क करें। देखिए पूरी खबर IBN 24 न्यूज के लिए आशीष मालवीय की रिपोर्ट। जिले की बात है, प्रदेश की बात है, कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी पूरा सहयोग करेंगे। हम लोग सारे साथी लोग जितने भी पदाधिकारी कांग्रेस के, सब जनता के बीच में आकर जहाँ दिक्कत जाएगी पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप खुद सावधानी बरतें। 1 सप्ताह की मुसीबत है, जल्दी टल जाएगी। भगवान से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं। नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी की तरफ से आर्थिक सहायता भी अलग से दी जा रही, शासन से भी देंगे, और मैं अपनी तरफ से 1,00,000 रुपये की राशि सहायता की देने को आज घोषणा कर रहा हूँ, आज ही मैं जमा कर रहा हूँ।